हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिट एंड फ्लेक्सिबल। मैं मनीषा कोबल इस चैनल पर हर ट्यूसडे एंड फ्राइडे कुकिंग और एक्सरसाइज के वीडियोस अपलोड करती हूँ। आज मैं आपको फिश के कटलेट्स बना के दिखाऊंगी। कटलेट बनाने के लिए मैंने एक बाटी धनिया लिया है, 15 मैंने हरी मिर्च ली है, अदरक 3 इंच का लिया है, एक गड्ढा लहसुन का लिया है, प्याज एक और बॉइल्ड पोटैटो हाफ नींबू, आधा चम्मच गरम मसाला, क्वार्टर चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, 3 मैकरल फिश है ये, और मैकरल फिश यानी बांगड़ा है ये। देखिए, पूरा साफ करके लिया है मैंने, अंदर से भी पूरा साफ करना है। आप इसके बदले और कोई फिश भी ले सकते हो। अभी फर्स्ट हम ब्रेड जो लिया था उसका ब्रेड क्रम्स करेंगे। मैंने यहाँ पे 4 स्लाइस का ही ब्रेड क्रम बनाया है। फिश कटलेट में ब्रेड क्रम्स होना बहुत ज़रूरी है, ब्रेड क्रम से ही उसमें क्रंचीनेस आता है और क्रिस्पी हो जाता है। अब ये मैं एक बाउल में निकाल के रख दूंगी। पूरा छुट्टा छुट्टा ऐसे ब्रेड क्रम्स होना ज़रूरी है। अब इस ब्रेड क्रम को हम बाजू में रख देंगे और उसी मिक्सी के जार में अब हम ये ग्रीन वाला मसाला पीस लेंगे। ये पूरा मसाला इसमें नहीं लगने वाला है, इसमें से 2-3 चम्मच ही मैं यूज़ करूँगी। अब यहाँ पर अदरक, हरी मिर्च और धनिया और लहसुन ये सब हम मिक्सी के जार में इस तरह एक एक काट कर ले लेंगे। मिक्सी के जार में अगर क्वांटिटी कम हो तो पीसी नहीं जाती है, इसलिए मैं ये मसाला थोड़ा ज़्यादा ही करती हूँ, बाद में ये काम आता। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डालकर और आधा नींबू डालकर इसे पीस लेंगे। देखिए, अपना ये मसाला भी अभी रेडी है। ये मैं मिक्सी के जार से निकाल कर बाजू में रख दूंगी। अभी हम फिश को स्टीम कर लेंगे। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में पानी रखकर ऐसे स्टैंड रखा है और उस पर जाली रख दी है, और ये जो मेरे 3 फिश के पीस है वो मैं उस पर जाली पर रखकर ढक्कन लगा के 15 मिनट तक उसे स्टीम होने दूंगी। 15 मिनट बाद हम इसे अभी चेक करेंगे। फिश पक गया है अच्छे से। अब मैं इसे निकाल रही हूँ। तीनों फिश को निकाल के थोड़ा ठंडा होने देना है। मुझे थोड़ी जल्दी थी इसलिए मैं गर्म में ही इसे तुरंत निकाल रही हूँ। आप इसे ठंडा होने के बाद ही डीबोन करना। डीबोन करने का काम बराबर ध्यान देके करना है, क्योंकि एक भी छोटा बोन अगर उसमें रहा तो हमें उससे तकलीफ हो सकती है, इसीलिए ये काम ध्यान देके करना है। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, इस तरह आपको चेक करना है और बोन को अलग करके रखना है। फिश तो हम हमेशा ही खाते हैं, लेकिन एक बार आप ये कटलेट ज़रूर ट्राई करना, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। देखिए, पूरा बोनलेस हो चुका है अभी ये फिश। अब इसमें हम और सारे इंग्रेडिएंट मिक्स करके कटलेट का बैटर रेडी करेंगे। पहले एक बटाटा है, उसे मैं इसमें कद्दूकस कर लूँगी। बटाटा होने के बाद एक प्याज को मैंने बारीक काट लिया है, उसको इसमें ऐड करूँगी। प्याज के बाद जो हरा मसाला पीस के रखा था उसमें से 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है। अब मैं इसमें गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला ये ऐड करूंगी। मैं इसे अभी अच्छे से मिक्स करूंगी। इसमें जो मसाले हैं, प्याज, बटाटा, फिश, ये सब अच्छे से मिलकर आना चाहिए। ये मिक्स होने के बाद अब हम इसमें ब्रेड क्रम्स मिलाएंगे। 5 चम्मच मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स लिया है, ये लास्ट में हमें मिलाना है। अगर हम पहले मिलाते हैं तो वो जल्दी सॉगी हो जाता है, थोड़ा गीलापन उसमें आ जाता है, इसके लिए ये लास्ट में मिलाना है, ये ज़रूर ध्यान रखना। अब मैं
नमक ऐड करूँगी। आधा चम्मच नमक मैंने इसमें ऐड किया है। बस अब हम इसे मिलाकर इसके कटलेट तैयार करेंगे। बहुत बड़े बड़े नहीं करने हैं कटलेट्स, हमें छोटे आकार में बनाने हैं। एक मीडियम साइज के नींबू के आकार के मैंने गोले बनाए हैं, उसे प्रेस करके फ्लैट बनाऊंगी और कटलेट रेडी करूंगी। इतने बैटर में मैंने 12 कटलेट्स रेडी किए हैं। ये रेडी है, अब मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी 20 मिनट के लिए। चलो अब नेक्स्ट स्टेप है, कटलेट के लिए हमें कॉर्नफ्लावर का घोल बनाना है। उसके लिए मैंने 2 चम्मच यहाँ पे कॉर्नफ्लावर लिया है और उसमें 3 चम्मच मैंने पानी मिलाया है। हम एकदम से ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे, धीरे धीरे चम्मच से ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। टोटल मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर के लिए 5 चम्मच पानी ऐड किया है और उसके साथ साथ मैंने ब्रेड क्रम्स भी यहाँ पे लिए हैं जो मैंने आपके सामने पीस के रखे थे। कटलेट को मैंने 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था, अब मैंने निकाल लिया है उसे। कॉर्नफ्लावर को हिला कर लेना है और एक एक कटलेट को उसमें डीप कर फिर ब्रेड क्रम्स में डीप करना है और साइड में रख देना है। सबको मैं डीप करके ऐसे साइड में रख दूंगी। ये रेडी है अभी शैलो फ्राई करने के लिए। शैलो फ्राई करने के लिए हमें पैन में तेल लेना है। तेल हम अगर चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, अगर कम में भी तले तो ये अच्छे ही लगते हैं। मैंने यहाँ पे 3 चम्मच जितना तेल लिया है और स्लो टू मीडियम गैस पे हमें इसे फ्राई करना है। अगर हम पैन को हाथ से ऐसे अगर ऊपर उठाकर हिलाते हैं तो ये अच्छे से फ्राई होते हैं। दो से 3 मिनट बाद हमें ये पलटी करने हैं। देखो पूरा गोल्डन कलर इसको आया है, ऐसे कलर आता है तो ये अच्छे लगते हैं टेस्ट में। इसे वाइट वाइट बिल्कुल नहीं रखना है, अच्छे से फ्राई करना है। वापस मैं ऐसे ही हिलाते हुए उसे फ्राई कर रही हूँ और देखो मैंने वापस पलटी मारे है, अभी दोनों तरफ से अपना ये फ्राई हो चुका है। ये फ्राई होते वक्त इसका स्मेल भी बहुत ही बढ़िया आ रहा है। चलो अब हम इसे एक एक करके प्लेट में उतार लेते हैं। इसे उतार कर मैंने बाकी के भी 6 कटलेट फ्राई कर लिए हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हाँ, और बेल आइकॉन की घंटी दबाना नहीं भूलना ताकि मेरे नए नए वीडियो अपने आप आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में आ जाए। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।